पुलिस अब अच्छे कामों के लिए भी जानी जाएगी, क्योंकि अब तक पंजाब पुलिस की छवि अपनी घटिया कारगुजारी और भ्रष्टाचार के नाम से लोगों में बदनामी के लिए मानी जाती थी। अक्सर पंजाब पुलिस के कर्मचारियों के ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिनमें कर्मचारियों को गलत दिखाया जाता था, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पुलिस कर्मचारी से मिलवाने जा रहे हैं जो अपने अच्छे कार्यों के लिए लुधियाना में चर्चा का विषय बने हुए हैं, और लुधियाना पुलिस के साथ साथ अब पंजाब पुलिस को भी उस पर दांत है। यह पुलिसकर्मी ट्रैफिक पुलिस बतौर ASI तैनात है, और यह पुलिस वाला जरूरतमंद बच्चों को चप्पल पहनाता है, और आजकल लुधियाना शहर में इस नौजवान की काफी तारीफ भी हो रही है। आप भी देखे हैं खास रिपोर्ट। सर देखो जी, मैं काफी लंबे समय तो करीब साल पहला तो अपनी गड्डी च चप्पल रखदा, 50-60 जोड़े 50-60 जोड़े चप्पल रखदा। अगर मैं कोई रोड से नंगे पैर ही मिलता तो मैं सर मैं नंगे पैर वालों चप्पल नहीं, सर मैं 1 साल तो दे रहा जी, ये मेरी आप की सेवा जी, मैं परसनली करदा, तो पता नहीं थोड़ी कितों नज़र पै गई, मैं दिखावा नहीं करता। नहीं सर, एक ये बहुत सस्ती चप्पल है, बाजार तो 25-30 रुपए च मिल जाती है, मैं महीने 2 महीने बाद 50-60 जोड़े लेना, जेड़ा भी कोई इक्का दुक्का रोड से नंगे पैर ही मिलता लोड़वंद उन्होंने पवा दा। ट्रैफिक पुलिस जदों असी ड्यूटी ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, जो भी मेरी किसी नंगे पैर वाले तो जाती है कि गरीब बच्चा जा बंदा जा लेडीज नंगे पैर ही जा रही है, इन्हू चप्पल की नीड है, फिर मैं उन्होंने पूछ के उन्होंने प्रोवाइड करा। ये सर मैं इंचार्ज साहब ने लगा, जोन इंचार्ज साहब ना, इन्होंने पहला तो ही देंदे आ रहे हैं चप्पल, इन्होंने मैंने शिक्षा दी भी ये जो भी कोई नंगे पैर वाला आता उन्होंने चप्पल तुम्हें दे देनी है, मैं होव या ना होव तुम्हें चप्पल जरूर देनी है। तो जो असी सानू कोई नंगे पैर वाला जां गरीब आदमी देखता तो उन्होंने भावें चप्पल टुटी हो भी उन्होंने कहते नहीं भी नवी लैना भाई साढ़े चप्पल। सर नंगे पैर भी कभी कंडे वजते किसी के कोई किल वजता जी वह प्रॉब्लम आती है जी, फिर डॉक्टर को इलाज वास्ते पैसे नहीं होंगे गरीबों को, इस करके चप्पल तो यू सुनिया हो जी। सर एक सेवा ही है जी, सेवा है एक बहुत वीड्डी सेवा जी, उत्तम सेवा जी।